गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे वोकैब सेशन में। और आज का जो सेशन है उसमें हम लोग एंटोनिम्स करने वाले हैं, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2021 के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या 80+ है, तो हम लोगों ने इसका दो सेशन करने का सोचा है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, पार्ट वन जिसमें हम लोग करने वाले हैं 42 क्वेश्चन। चलिए, तो हम लोग अब देर नहीं करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। और क्यूज मोड में आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चंस रहेंगे, आपको अगर आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हाइलाइटेड वर्ड आपके पास जो है उसका एंटोनिमस आपको बताना है। वर्ड इज मैलेसी। मैंने पढ़ाया होगा कि अगर हम किसी आदमी के प्रति दिल में बुरी भावना रखते हैं तो हम उससे बोल सकते हैं कि आपके अंदर मैलिसी की भावना है। अब इसका उल्टा सोचो कि आपके दिल में किसी के लिए बहुत अच्छी भावना होगी तो क्या होगी। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों का आंसर ए है आपके माइंड सेट में, तो बहुत ही सही आप सोच पाए। देख लीजिए, आपके पास आंसर का स्लाइड आ चुका है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि सिंपैथी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड इट विल बी द परफेक्ट वर्ड हेयर। तो मैलेसी का मतलब हम लोगों ने कहा कि भाई किसी के लिए हम लोग को दिल में जो बुरी भावना होती है उसको बोला जा रहा है, ठीक है ना, यानी इलविल, बुराई। उल्टा होगा सिंपैथी यानी सहानुभूति। ग्रेस का मतलब होता है सुंदरता, तो आप ब्यूटी कह सकते हैं। एवरेस्ट जो होता है वो ग्रीड होता है, लालच होता है, इसी से आपने वर्ड बनाया होगा एवरेसियस, है ना। एवरेस्ट से ही वर्ड आपका बना होगा एवरेसियस, जिसका मतलब आप लोग पढ़े होंगे क्या, ग्रीडी। और ऑपरेशन का मतलब नियंत्रण का सेंस होता है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल लिख सकते थे। चलिए स्टूडेंट, आपका सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जेडेड का मतलब क्या होता है ये सोचिए, या तो आप खुद ही सोच सकते हैं। पूरे सप्ताह काम करने के बाद कोई भी इंसान कितना ज्यादा थक जाता होगा। अब थक जाने का उल्टा क्या होगा, थक जाने का उल्टा क्या होगा। कमेंट में आप लोगों का आंसर उम्मीद है कि डी आना चाहिए। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि आपके पास आंसर स्लाइड आ चुका है, जिसमें आपको आंसर डी दिखाई दे रहा है। तो जेटेड का मतलब मैंने कहा कि आप लोग यहाँ पे इसको टायर्ड बोलते हो, बहुत ज्यादा थक गया इंसान, तो टायर्ड के सेंस में आप यूज करते हो। जेटेड का मतलब समझ जाओ कि अरे यार ज्यादा थक गया मैं, मर गया मैं, है ना। तो आप यहाँ से सेंस अपने दिमाग में लगा सकते हो, टायर्ड का सेंस है। उल्टा में हम रिफ्रेश कर सकते हैं। ग्लूटेड का मतलब होता है ना कि आप एक तरह से ग्लूटन यानी पेटू आदमी की तरह भरपेट भोजन करना चाहोगे, तो ग्लूटेड का मतलब फूल कह सकते हो, सैचिएटेड कह सकते हो, ये सेंस में होता है। और विग्रस आप नहीं जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, सब बच्चों को पता है एनर्जेटिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास में यहाँ पर ये रहा स्क्रीन पर। ड्वार्फ प्लैनेट भी आप लोग सुने होंगे, हिंदी में बौने ग्रह भी बोलते होंगे आप। अब सोचना ये है कि बौने ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट हम जब पढ़े थे तो उसका उल्टा क्या सोच पाते हो आप। तो जब बौना का सेंस है तो उल्टा में हम सब जायंट सोच रहे होंगे, बिल्कुल आप लोग कमेंट कर रहे होंगे सी आंसर माइंड सेट में, तो जी बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर चार आपके पास में डेट्रीमेंटल है। ये सबको पता है कि जो चीज़ हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, शायद हम उसको बोलते हैं, निगेटिव वर्ड है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। बाकी तो गाना आपको पता ही है ना, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक। चलो अब सोचो कि हानिकारक का उल्टा जब हम सब सोचेंगे तो क्या होगा। हानिकारक नहीं होने के सेंस में सोचेंगे, तो शायद आप लोगों का आंसर माइंड सेट में चल रहा होगा कि ए कर सकते थे। बिल्कुल आप सही सोच रहे थे, बस जवाब देना था। तो डेट्रीमेंटल का मतलब आप लोग तो पहले से जानते हैं कि स्मोकिंग जो होता है वो इंजूरियस होता है हेल्थ के लिए, तो आप इंजूरियस कह सकते हैं। बाकी तो आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊँ, सबको पता है कि हार्मफुल वगैरह इसमें भी मेंशन किया जा सकता था। अब जैसे आप यहाँ पे हार्मफुल लिखते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपको आंसर याद आता है कि एंटोनिम्स में हार्मलेस से बढ़िया कुछ नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास पांच में परहेज है। सबको हिंदी इसका पता ही है कि किसी आदमी की बहुत ज्यादा क्या करना। चलिए कमेंट करिए, उसके बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। तो परहेज का सैनोनिमस नहीं एंटोनिमस आपसे पूछा जा रहा है, तो शायद सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में ए आ रहा होगा। बिल्कुल सही है अगर आप एक सोच रहे थे। तो परहेज का मतलब हो रहा है कि सामने वाले का सेलिब्रेट करना, सामने वाले का है जो कि प्रशंसा करना। आप एक्सटॉल मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना, आप कमेंट मेंशन कर सकते हो। और सिंपल है कि अगर आप किसी आदमी की बड़ाई कर रहे हो तो आप कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट वर्ड यहाँ पे ले सकते हो। और भी वर्ड्स हैं, इसका मतलब हिंदी में सराहना करना होता है, इसलिए हम कंडेम यूज करेंगे, क्योंकि कंडेम का मतलब आलोचना करना होता है, क्रिटिसाइज का ये सेंस में यूज हुआ जाता है अपने आप में, बढ़िया। चलो बाकी सेलिब्रेट का मतलब उत्सव मनाना होता है, सिक्योर, आपको सुरक्षित पता ही है कि क्या होता नहीं होता, है ना। और यहाँ पे आपके पास हेल फ्रॉम का मतलब होता है कम फ्रॉम, ये हेल ही वर्ड दिया था मैंने, बस इसको फ्रॉम लगा करके ऐड कर दिया ताकि आपको जल्दी याद हो जाए।
हेल का मतलब हो जाता है कहीं से निकलना कुछ, तो हेल फ्रॉम, कम फ्रॉम। आप इसको लोकेशन को याद कर लीजिए, हो सकता है फिल्म में ब्लैंक्स वगैरह में कभी काम कर जाए आपका। चलिए स्टूडेंट, 6 नंबर में क्वेश्चन आपके पास सकम्ड है, जिसका मतलब होता है कि आप अपनी बीमारी वगैरह के आगे हाथ टेक देते हैं, घुटने टेक देते हैं। तो अब सकम्ड मतलब घुटने टेक देने का उल्टा सोचो, कि हम घुटना नहीं टेकेंगे भैया, हम आपको जीत ही के बताएंगे, आपको हरा के ही रहेंगे। तो आंसर आपको शायद ओवर कम आना चाहिए। होता ना कि भाई लोग कैंसर तक को ओवरकम करके आ रहे हैं, तो ओवरकम का मतलब आपके पास हो जाता है क्या, किसी भी चीज को या किसी समस्या को बीट करना यानी डिफीट करना। अब डिफीट या बीट कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। तो सकम का मतलब हम लोग जानते हैं क्या करना, हार मानना। चलिए, तो सकम का मतलब आपके पास में क्या होता है, हार मानना, और हार मानने के सेंस में वर्ड क्या यूज कर सकते हो, इल यूज कर सकते हो। देखो लिबरल है तो सबको पता है कि लिबरल का जो सेंस होता है वो दयालु होता है, तो इसका उल्टा आप सोच सकते हो। या कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम ऐसी पॉलिसी में विश्वास करते हैं जिसमें कोई भी आदमी, कोई भी धर्म, परंपरा, विचारधारा को लाए कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है कि नहीं बाबा, हम तो इसी विचारधारा को सिर्फ मानते हैं। तो सोचो कि लिबरल का उल्टा ऑप्शन के हिसाब से क्या सोच रहे हो। कुछ बच्चों को तो हिंट मिल गया होगा, वो समझ गए होंगे कि सर बेहतर ऑप्शन तो आपने समझा दिया मेरे को कि आंसर एक कर सकते। तो बिल्कुल आप आंसर एक यहाँ से कर सकते हैं, कंजर्वेटिव। तो लिबरल का मतलब आपके पास में हो गया ऑफ जनरल व्यू, जिसका दृष्टिकोण जो होता है वो सभी धर्मों, सभी चीज़ों को लेकर के होता है, ऑफ जनरल व्यू। लेकिन जो कंजर्वेटिव होते हैं वो ऑफ ओनली वन व्यू, उनका एक ही प्रकार का विचारधारा होता है और वो एक ही प्रकार की विचारधारा में विश्वास करते हैं, और उसके अलावा कुछ बोलेगा तो वो लड़ाई आपसे कर देंगे। इसलिए इनको हिंदी भाषा में हम रूढ़िवादी भी कहते हैं। हिस्टेरिया एक बीमारी होती है जिसमें आदमी जो होता है थोड़ा सा कॉमिकल, या कह सकते हैं कि सेक्सुअल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे हिस्टेरिकल का मतलब आप रिडिकुलस भी कह सकते हैं, यानी कि उपहासजनक भी कह सकते हैं, जिसको मतलब करने या फिर आपको देखने से आप भी हंसे बिना ना रह सके, इस तरह से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास बहुत ही अच्छा वर्ड है, लेकिन इसका एंटोनिमस बता पाओगे, बहुत मुझे उम्मीद कम है। ऐसे प्रिमिटिव का मतलब सबको पता है कि जो मतलब पुराने जमाने के लोग होते हैं ना, उनको जो कहो अच्छा अच्छा ठीक है आप सही बोल रहे होंगे, है ना, हम कोई नहीं पता होगा, यानी बहुत ये भोले भाले होते हैं। तो प्रिमिटिव का मतलब, नेब का मतलब बहुत ही ज़्यादा सीधे सेंस में आप यूज कर सकते हो। आप सोचो कि जिस आदमी को पसंद मतलब कि सेटिस्फाइड वगैरह करना आसान नहीं होता है नॉलेज के हिसाब से या चीज़ों के हिसाब से, उसको हम क्या बोलेंगे। तो शायद ऑप्शन अगर आप लोग एलिमिनेट कर भी रहे हो तो सी कर रहे हो, बिल्कुल आपका सी अगर आ रहा है तो सही आंसर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो प्रिमिटिव का मतलब मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही सीधे साधे लोगों को कहा जाता है, जो सिंपल विचारधारा के लोग होते हैं उनको कहा जाता है। लेकिन जिनको कहना है कि नहीं भाई, हम तो बस वही चीज़ को मानते हैं जिस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये रेशनल थिंकर होते हैं, सोफिस्टिकेटेड नेचर के लोग रेशनल होते हैं, है ना, रीजनेबल होते हैं, तार्किक लोग होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां आपके पास में, बेस्टो का मतलब प्रदान करना मैंने दिया था आपको, पहले भी बताया है प्रीपोजिशन के क्लासेस में मैंने बताया होगा कि बेस्टोड के साथ आप ऑन या विथ लगा के चलते हो। तो अब सोचो कि बेस्टोड का उल्टा क्या होगा। दे बेस्टोड अपॉन हिम भारी विशेष, उसने जो कहा वो सब कुछ उनको मिला। अब नहीं देने के सेंस में आपको खुद ही लग रहा होगा कि ऑप्शन यहाँ पे डिनाई आ सकता है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे थे। तो बेस्टो का मतलब आपके पास में क्या सेंस आपके पास है, प्रोवाइड का सेंस है, ठीक है ना, ग्रांट का सेंस है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है, बेस्टो मतलब प्रोवाइड होता है, बेस्टो का मतलब विंडो होता है ना, तो ग्रांट का सेंस होता है किसी को कुछ देना, तो उल्टा आपके पास में आ जाएगा, डिनाई आ जाएगा, आप यही आंसर करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे आप लोग, एस्प्यूरियस का एंटो पूछ रहा है, एस्प्यूरियस मतलब आपको पता है कि कुछ अजीब सा उन्होंने ड्रिंक पिया था और वो मूर्छित होकर गिर गए थे, यानी कि यह ओरिजिनल ड्रिंक इन्होंने शायद नहीं पिया था, कोई लगता है नकली ड्रिंक इन्होंने पी लिया था। आप समझ गए होंगे कि उल्टा में ओरिजिनल आना चाहिए था या जेन्यून आना चाहिए था। तो एस्प्यूरियस का मतलब सबको पता होना चाहिए कि एस्प्यूरियस होता है जो फेक होता है और नॉट रियल होता है ना, ये रियल नहीं होता है। तो उल्टा आपके पास होगा जेन्यून, क्योंकि जेन्यून का मतलब होता है रियल, ऑथेंटिक, है ना, रियल, ये सब। चलिए, बाकी आपको क्यूरियस मतलब उत्सुक पता ही है, इसमें हम पढ़ाएंगे कि आर्टिफिशियल होता है जो मैनमेड होता है वो होता है ना। ऑर्निफेरियस का मतलब कह सकते हैं दो सेंस में, एक तो कुख्यात को भी कहा जाता था, क्रूअल भी कह सकते हो, और कुख्यात जब बोल रहे हो तो नोटोरियस भी कह सकते हो। तो निफेरियस का मतलब जिससे आपको घृणा हो जाती है, नफरत हो जाती है, वो आप इसको रख सकते हो अपनी ओर से, अपने ढंग से भी इसको रिविजन कर लेना भैया।
चलो 11 में आपके पास में इम्प्योर डिसीजन का मतलब है कि आप जल्दी सोचते उसते नहीं और डिसीजन ले लेते हैं। कभी रहा किट वाज एन इम्प्योर डिसीजन टू बाई ए कार व्हेन ही डिड नॉट हैव ए जॉब। जब उसके पास जॉब नहीं था तो उसको कार खरीदने का जो डिसीजन था वो एकदम से फालतू का था ना, बिना सोचे समझे का सेंस है। शायद आप लोगों का आंसर कमेंट में 2 आ रहा होगा। जी बिल्कुल सही आ रहा है, देख लीजिए 2 ही है। तो इम्पीचुअस का मतलब ही होता है आपके पास में उतावला सा। अब जब उतावला बोल ही रहे हो तो इसका मतलब आपके पास हो रहा है क्या, इनसेंसिबल है ना, इनसेंसिबल मतलब बिना सोचे समझे का सेंस, तो उल्टा हो गया आपके पास में सेंसिबल। चलो ठीक है, टेंसिबल का मतलब तो सबको पता ही है कि अगर आपको एग्जाम्पल्स वगैरह देते हो और वो फिट बैठ जाता है तो आप कह सकते हो कि आपका एग्जाम्पल तो एकदम टेंसिबल था। चलो 12th में आप नहीं जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबको पता है कि सैवेज, आजकल के समय में आप कमेंट्स को भी बोलते हैं सैवेज, वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं बहुत सारे, और इसका मतलब ये है कि सामने वाला उसमें कुछ अश्लील और गाली गलौज सा यूज करता है और उल्टा हो जाता है सिविलाइज्ड। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एक सही था। तो सैवेज वीडियो जो आजकल के वायरल हो रहे हैं तो उसमें कहीं पे भी कोई सिविलाइजेशन की बात नहीं है, पूरी तरह से अशिष्टता और अश्लीलता ही भरी पड़ी है। ठीक है, अनसिविलाइज्ड को उल्टा सिविलाइज्ड। एडिक्वेट सबको पता ही है कि ये पर्याप्त के सेंस में आप यूज करते हो, सफिशियंट के सेंस में आप यूज कर सकते हो, और इम्पार्शियल निष्पक्ष होता है, ये बार बार मैं बताऊंगा क्योंकि ये वर्ड बहुत ही फेमस है और आज के समय में न्यूज़पेपर में बहुत बार यूज हो रहा है। ब्रूटल सबको पता ही है कि क्रूर हत्याओं के सेंस में आप यूज करते हैं, क्रूअल का सेंस में यूज करते हैं। चलो फॉर्मर का उल्टा तो लेटर होता है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसमें क्या करना है, सबका आंसर कमेंट सेक्शन में सी ही आने वाला है, मुझे पता है। तो फॉर्मर का मतलब पहले वाला, लेटर का मतलब है जो कि अभी वाले के बाद आने वाला है उसको बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा, वेरियंस का मतलब विविधता होता है, विविधता का उल्टा क्या करना चाहिए था। हमारे देश के पास है ना भैया अनेकता में एकता की क्षमता है, तो हमारा देश जो है वो वेरियंस में भी क्या रखता है, मतलब इतना विविधता होने के बावजूद भी क्या रखता है। चलो कुछ लोग तो आंसर एक कर रहे हैं, लेकिन आंसर सी आना चाहिए था स्टूडेंट इसका, बिल्कुल सी आना चाहिए था। तो वेरियंस का मतलब मैंने पहले भी आपको पूछा कि वेरियंस का मतलब आपके पास में विविधता है, और विविधता का मतलब है ना कि आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि इक्वल होगा, तो ये गलत बात है। मैंने कितनी बार कहा है कि नाउन जब रहेगा तो नाउन आंसर देना, और नाउन है ये, वेरियंस आपके पास नाउन है तो आंसर हारमोनी आएगा, ठीक है ना। तो विविधता को उल्टा होगा यहाँ पे क्या, सवार। अब नहीं सूट कर रहा है तो आप इक्वलिटी बनाओ, क्रिएट करो, तो इक्वलिटी तो बना नहीं सकते इक्वल को ना। बाकी तो इंटेलेक्चुअल का मतलब सबको मैंने बोला था कि ये आपके पढ़े लिखे लोगों को कहा जाता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कल्चर्ड लिख सकते हो, सिविलाइज्ड लिख सकते हो, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं समाज के उनको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी वर्ग। चलिए 15 में आपके पास पेंचेंट है, मैंने इसका हिंदी आप लोग को पढ़ाया होगा प्रीपोजिशन के क्लासेस में, पसंद। प्रीपोजिशन का जो क्लास होता है ना स्टूडेंट, उसमें लगभग 70% तो वोकैबुलरी होता है। चलो अब सबको पता है कि सर जब पसंद की बात कर रहे हो तो नफरत ही आएगा ना, तो आंसर आप सभी का शायद आना चाहिए तो 4। देख लो भैया 4 आंसर कमेंट में आ रहा है, तो ठीक है आपका ओके। तो पेंचेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदी भाषा में इसको आप पसंद बोलते हो, और इसलिए इसका सैनोनिमस जब मैंने पढ़ाया होता है तो हमेशा प्रीफ्रेंस पहले लिखाता हूँ, ताकि स्टूडेंट को ये समझ में आए कि अच्छा पसंद का सेंस है। उसके बाद मैं आपको फिर लाइकिंग लिखवाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑप्शन में ज़्यादा पेंचेंट का साइनों में पूछता है तो लैकिंग ही रहता है। बाकी आप समझ गए कि नफरत के सेंस में हैट्रेड होगा। चलिए आप 16 का आंसर बताओ, इंटीमेट होना किसी के साथ, मतलब क्या है ना कि आप किसी के साथ में कुछ ज़्यादा ही टच्ची बच्ची हो रहे हो, यानी फ्रेंडली का सेंस हो रहा है। अब उल्टा आपको साफ दिख गया है तो आंसर सबका डी कमेंट में आ जाना चाहिए था, बिल्कुल आ रहा है सबका, तो अच्छी बात है। तो आंसर क्या होगा आपके पास में भैया, अनफ्रेंडली होगा। चलो इंटीमेट का मतलब मैंने बता दिया था आपको, क्या होना किसी से टच्ची बच्ची होना यानी फ्रेंडली होना, तो उल्टा हो जाएगा अनफ्रेंडली होना। टाइमली सबको पता ही है कि जो टाइम के हिसाब से होता है, और अफेक्शनेट का मतलब भी एक तरह से आप फ्रेंडली ही कह सकते हो, अगर आपको किसी से प्यार मोहब्बत हो गया है तो फ्रेंडली रिलेशनशिप तो है ही, आप सारी बात उससे शेयर तो कर ही बैठते हो। और पैशनेट होने का मतलब है कि आप किसी के प्रति दीवाना हो जाते हो, क्रेजी हो जाते हो। चलिए ईव का अगर आप जानते हो उल्टा तो ठीक है, नहीं तो कई बार तो स्टूडेंट इसका मतलब भी नहीं जानते और आंसर सिर्फ याद कर जाते हैं। तो चलो भाई जिनको जिनको याद है कमेंट सेक्शन में तो बता सकते हो, बहुत ही पॉपुलर तो नहीं है लेकिन बहुत ही पुराना वर्ड है। चलो तो ईव का मतलब आपके पास डाउनफॉल होता है, अब उल्टा हो जाएगा फ्लो। अब फ्लो होने का मतलब है कि आप ना अपवार्ड डायरेक्शन में है जो कि ग्रो कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, ईव का मतलब हो रहा है कि आप एक तरह से क्या कर रहे हो, पतन की ओर जा रहे हो, बाढ़ में बह जा रहे हो। अब उल्टा होगा फ्लो का मतलब आप तैर जाओगे बाढ़ में भी, ठीक है ना। तो ये होता है ईव, ईव का मतलब होता है ढहना,
और फ्लो का मतलब होता है यहाँ पे उबरना, इसलिए आपका टफ वर्ड होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए आंसर एक होगा। स्टिप का मतलब सबको पता है, सीधा होता है, स्टिप चढ़ाई वगैरह के लिए आप यूज करते हो, तो डायरेक्ट और स्ट्रेट यूज कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है स्यूडो। अब कितने लोगों को पता है, मुझे तो नहीं पता, अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं कहूँगा कि आपके शिफ्ट में ये टफ वर्ड का सेक्शन आ गया और आपका यहाँ से नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ने का चांस है। चलिए कुछ लोग तुक्का मार करके आंसर बताना चाह रहे हैं या जो भी उनके नॉलेज के हिसाब से जेन्यून आ रहा है तो बहुत अच्छा है। तो सीडो का मतलब होता है ना कि आपने उसमें कुछ चेंज कर दिया है, अफेक्टेड, ठीक है ना, मतलब कि वो पुराना रहा ही नहीं, आपने उसको चेंज कर दिया है। तो अब सीडो का मतलब कैसे होता है, अफेक्टेड और चेंज, तो उल्टा होगा जेन्यून यानी रियल। बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन भी यहाँ पे लग रहा था, करप्ट मतलब भ्रष्ट होता है, फ्ला मतलब को भ्रष्ट होता है, आर्टिफिशियल तो मानव निर्मित होता है। चलो कोई ना, 19 में परसिस्ट है, मैंने आपको पहले भी साइनोनिम्स के क्लासेस में भी बताया था कि परसिस्ट के साथ आप इन लगाते हो और परसिस्ट इन का मतलब होता है कि आप चीज़ों को क्या करें, कंटिन्यू रूप से करें। तो उल्टा आपको समझ में आ ही गया होगा कि आंसर आपके पास में क्या आना चाहिए था, तो ए आना चाहिए था, बिल्कुल। तो परसिस्ट का जब एंटोनिम्स पूछ रहा है तो आप डिसकंटिन्यू दे सकते हो। बाकी रेटेन्यू जो होता है ये आप कह सकते हैं कि जितने भी नौकर होते हैं, ठीक है ना, दासों का समूह होता है ना, दासों का समूह जो किसी भी राजा के साथ हमेशा है, जो कि उनके नौकर के तौर पे साथ में रहते हैं 5-6 लोग, उनको रेटेन्यू कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग सर्वेंट जो होते हैं, पब्लिक सर्वेंट जो सर्विस देते हैं गवर्नमेंट के लिए, उनको हम उनके समूह का स्टाफ बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि स्टाफ भी होता है आपके पास में कलेक्शन, और क्या होता है भैया, रेटेन्यू भी होता है। दोनों में फर्क ये है कि रेटेन्यू जो होते हैं राजा महाराजा के गुलाम होते हैं, और स्टाफ जो होते हैं वो केंद्र सरकार के गुलाम होते हैं, ये मान के चलो, ठीक है। तो रेटेन्यू का मतलब दासों का समूह, और स्टाफ का मतलब हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों का समूह। अब देखो मुझे लगता है जहां तक आप सबको पता है कि एसिडिवस जो होता है वो एकदम से भी रेस्ट नहीं करता है, बहुत ही ज्यादा मेहनती होता है। तो उल्टा होना चाहिए था, जो आदमी मेहनत ही नहीं करता है, यानी समझ गए होंगे आप लोग मेरा हिंट क्या है, आइडल है, क्योंकि आइडल बोले तो सुस्त होता है। तो असिड्यूस का मतलब हम लोग पहले भी से भी जानते हैं, तो ठीक है, नहीं जानते तो हम फिर से यहाँ से लिख देंगे कि लेबोरियस आप मेंशन कर सकते थे, और उल्टा हो जाएगा आपके पास में आइडल होगा या इनएक्टिव हो सकता है आपके पास में आए। चलो डेस्टिट्यूट आप नहीं जानते तो जान लो भैया पुअर होता है, गरीब होता है। 21st आपके पास में है कि फ्लमोक्स्ड बाय द लीगल डॉक्यूमेंट, द अनएडुकेटेड मैन वाज फ्लमोक्स्ड बाय द लीगल डॉक्यूमेंट, यानी आप खुद ही सोच सकते हो कि लीगल डॉक्यूमेंट को अनएडुकेटेड आदमी पढ़ने से तो रहा, तो इसका सेंस आपके पास में फ्लमोक्स्ड का क्या है, आप खुद सोचो पहले, डर जाना, कंफ्यूज हो जाना, तो उल्टा आपके पास में होगा कंफर्टेबल का सारा सेंस होगा। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आंसर आपका डी है। तो मैंने पहले ही कहा कि फ्लमोक्स्ड का मतलब आपके पास में हिंदी भाषा में होता है कि आप विचलित हो गया, कि वो लीगल टर्म को समझ ही नहीं पाएगा, है ना, विचलित होना। तो विचलित का मतलब आपके पास, फ्लामोक्स्ट का मतलब परप्लेक्स्ड, हम जानबूझ के लिख रहे हैं ताकि आपको क्या हो ना कि यहाँ पे एक्सीडी और एक्सीडी याद रखने में थोड़ा सा पहले आराम हो, बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि परप्लेक्स्ड जब लिख सकते हैं तो पजल्ड भी लिख सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो ये ठीक ठाक आपका निकल गया। तो 22 बताओ, मैंने बोला था आप सेप्टिक नेचर के हैं, तो इसका मतलब है ना कि आपको जल्दी चीज़ों पे भरोसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्या मैंने बोला कि अगर आप सेप्टिक नेचर के हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छा नेचर के नहीं हैं, आपको चीज़ों पे भरोसा जल्दी नहीं होता। तो आंसर आप समझ रहे होंगे कि सी जाने का चांस है, बिल्कुल सही सोच रहे थे आप। तो सेप्टिक का मतलब हो जाता है आपके पास में डाउट करने वाला, है ना, या डिसबिलीवर, तो उल्टा हो जाएगा आपके पास में क्या, बिलीवर। 23rd में आपके पास एक्सटांट है, इसका मतलब सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है, इसका मतलब देखिए, कह रहा है टू ओरिजिनल मैनुस्क्रिप्ट्स ऑफ दिस टेक्स्ट आर स्टिल एक्सटांट, मतलब आज भी अस्तित्व में है। अब हमको सबको पता है कि जब हिंदी हो रहा है इसका अस्तित्व में, तो उल्टा आपके पास में हो जाएगा अस्तित्व विहीन। अब देखो अस्तित्व विहीन किसका इंग्लिश होता है, चलिए अस्तित्व में का मतलब आज भी एग्जिस्ट करता है, तो आप एग्जिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और उल्टा ऑप्शन आंसर आना चाहिए था स्टूडेंट सभी का सी। चलो मैं देख लेता हूँ स्क्रीन पे, वही आंसर है, बिल्कुल वही आंसर है। एक्सटांट का मतलब आपके पास हो जाए स्थिर, यानी कि आप एग्जिस्ट चीजों की बात कर रहे हैं, और उल्टा हो जाएगा एक्सटिंक्ट, जिसका मतलब होता है अस्तित्व विहीन, आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। बाकी आपको आज ही मैंने सिखाया था कि परसिस्टिंग का मतलब होता है कि आप चीजों को कंटिन्यू रखते हैं, है ना, कंटिन्यू रखिए।
चलो बाकी तो निगोशिएट का मतलब होता है आपके पास में बार्गेन होता है, ड्रॉल आपको HW में है, आप खुद से इसको कर सकते हैं तो करिए। निगोशिएट का मतलब होता है मोल भाव करना। 24 में सबको पता है, फिर भी आप बता सकते हैं कि कैंडिड का जो एंटोनिमस होगा यहाँ ऑप्शन में क्या होगा, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक पता है कि कैंडिड वैसा आदमी होता है जो बहुत ही अस्पष्ट बिजनेस करता है ना, वेरी क्लियर का सेंस होता है। अब सबको पता है कि वेरी क्लियर का मतलब है कि सर यहाँ पर एक बात तो कन्फर्म हो गया कि आप आंसर सी क्या कर सकते हो, नहीं देना है क्योंकि सिंसियर ज़्यादा कुछ हो रहा है। देखो 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 आंसर है क्या, एक नंबर है। ठीक है, तो कैंडिडेट का मतलब हो रहा है आपके पास में क्या, नॉट डिसेप्टिव, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई शकबक नहीं है, तो यानी कि स्पष्टवादी का सही सेंस था, उल्टा होगा डिसीटफुल यानी कि धोखे से भरा। अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे जब 8th क्लास में होंगे या 10th क्लास में होंगे, तो शायद पढ़ने का था, 8 और 10 दोनों में था, कि हम लोग जो यूज करते हैं वो अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस होते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल कोयला ये सब है ना। बाकी तो आपको सिंसियर मतलब समझदार पता ही था, और ब्लंड मतलब होता है या बहुत रही तो आपको पता ही था, इसमें डाउट क्या है। चलो भलगर का उल्टा तो आप बता ही सकते हो। अब देखो ना आप कहते हो ना कि अरे यार गाली गलौज से भरी सिनेमाज वगैरह रहती है, इतना भलगर सीन रहता है कैसे फैमिली के साथ देख सकते हैं यार, इसका मतलब है उसमें सब कुछ है जो कि काट छाट के तो एकदम फाइन बनाना चाहिए था सिनेमा। शायद आंसर सी आ सकता है आप लोग के हिसाब से, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो वल्गर का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि इसमें पूरी तरह से आप अशुद्धियों की बात करते हैं, और वल्गरिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अश्लीलता की बात कर रहे हैं, तो उल्टा होगा आपका एक रिफाइंड होगा। चलो बाकी इग्नोरेंट का मतलब अनजान होता है, आपको पता होना चाहिए, अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर दिक्कत वाली बात तो है। चलो बताओ, करना कि कृपया कर उसे साबित करने दीजिए है ना, साबित करने दीजिए, तो सानोनिमस तो प्रूफ हो गया, तो अब एंटोनिमस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लो अब इतना दिन लगाओगे तो हम क्या कर सकते हैं, तो आपको ऐसे में पता चल रहा है कि भाई उसके अपने दावे हैं, उसको उसे प्रूफ तो करने दो, तो उल्टा होगा आपके पास में क्या, डिसप्रूव। 27 में क्लैमर है, अगर आप जानते तो ठीक है, ये ग्लैमर नहीं है जो सुंदरता से रिलेटेड है, क्लैमर का मतलब शोर शराबा का सेंस शायद होता है। अब मैंने इतना हिंट कर दिया है तो कुछ बच्चे होशियार हैं, तुरंत आंसर कमेंट में सोच दिए होंगे क्या रे, शोर शराबा का उल्टा तो शांत होता है, और शांत तो लग रहा है कि सी होता है, तो आंसर हो जाएगा सी आपके पास। तो क्लैमर का मतलब ही आपके पास में हो रहा है कि आप जहाँ पे रह रहे हो ना भैया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वारी, ठीक है ना, झगड़े हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे क्या है नॉइज है, उल्टा होगा आपका क्वाइट यानी शांति। बैबल का मतलब रहता है ना कि आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वे में बातें कर रहे हैं, उस सेंस में आप तो बैबल, ये आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। 28 आपके पास में सफाइस का मतलब सफिशियंट, मान लो जल्दी से बन जाएगा। चलो बाकी अब दिक्कत है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, सफिशियंट का हम सेंस है ये बता सकते हैं, उल्टा में डिससेटिस्फाई दिया है, तो चलो कोई बात नहीं है। सफाइस का मतलब हो जाता है आपके पास में क्या, सेटिस्फाई करना, यही लिखो तो अच्छा रहेगा, सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। अब एंटोनिमस की जब आप बात करते हो तो डिससेटिस्फाई आएगा, आंसर आपके पास में सी आएगा। सैटिराइज का मतलब होता है आलोचना करना, सिंसियर होगा, क्रिटिसाइज होगा। 29 में आपके पास में है रिकॉन्डाइट, अब सोचो कि रिकॉन्डाइट इन सब्जेक्ट मैटर है कोई पोयम, तो इसका मतलब क्या है। चलो जिनको दिक्कत है उनको पहले मैं लिख देता हूँ कि रिकॉन्डाइट आपके लिए गया टफ वर्ड बन, ब्रीफ मिस्टिकल ऑब्स्योर सिंपल। चलिए आंसर आपके पास में सिंपल आया है, यानी कि कह रहा था कि उसकी जो कविता है वो सब्जेक्ट मैटर में थोड़ी सी ज़्यादा गहरी होती है, जैसे आप कबीर या रस खान के दोहे वगैरह पढ़ोगे तो आधे दोहे तो आपको समझ ही में नहीं आएंगे, इतने ज़्यादा मतलब कि गूढ़ होते हैं, हिंदी भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गूढ़, जिसको समझना थोड़ा आसान नहीं हो, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, तो उल्टा होगा आपके पास में सिंपल। क्योंकि देखो ऑब्स्योर का मतलब तो हो रहा है आपके पास में क्या, नॉट क्लियर हो रहा है, तो ये तो यहाँ पर सेट करेगा नहीं है ना। चलिए 30 नंबर बताइए, प्री कॉशियस। देखो ये टफ वर्ड नहीं है, हम लोगों ने इसको टफ बना दिया ना, टेंशन ले लिए, देखते ही अब ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं हो रहा है कि नहीं का, जेंटील लिबरल लेनियंट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर लिबरल लेनियंट जनरल लग रहा है ना एक जैसा, तो आंसर डी मार दें। अरे बाबा तो कभी कभी ऐसा ही करना चाहिए, देख लो आंसर डी है ना। तो देखो भाई प्री कॉशियस का मतलब हो रहा है आपके पास में अर्ली, अनटाइमली,
और प्री मैच्योर, तो उल्टा होगा आपके पास में लेट बैकवर्ड। ये थोड़ा जाने दो, जाने दो, थोड़ा मैच्योर होने दो, है ना। तो ठीक है, फिर भी अगर आपके लिए टफ था तो आप इसे रिवीजन राउंड में रखिएगा, और आपके लिए टफ वर्ड का टैग मैंने लगा दिया है। देखो भाई, प्रिटेंस मतलब बहाना होता है, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं क्या करूँगा। प्रिटेंस का मतलब मैंने बोला ना कि आप जो हो नहीं वो बोल रहे हो। चलिए, कमेंट में तो सबका बी आना चाहिए था आंसर, अगर आप सो गए हो तो अलग बात है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास में, रियलिटी। तो प्रिटेंस का मतलब दिखावा हो रहा है, तो शो ऑफ हो रहा है, तो उल्टा होगा रियलिटी। इनटॉलरेंस सहनशीलता का उल्टा असहनशीलता, और इम्पोर्टेंस का मतलब अक्षमता कमजोरी, एरोगेंस का मतलब हो रहा है कि पैसे का घमंड, पैसे का गुस्सा, एंगर विथ मनी, एंगर बिकॉज ऑफ मनी, एरोगेंस। चलिए 32 बताइए, ये तो हम लोगों ने किया था साइन यूनिवर्स के क्लास में भी। जुडिशियस, अगर आप जज बन जाएंगे तो आप कैसे होंगे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे कि कौन सा वकील कितना केस को घुमा रहा है ना, कौन मेरे को बुद्धू बना रहा है। अगर आप समझ गए हो तो आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाएगा आपका, शायद 1 नंबर। जी बिल्कुल, तो जुडिशियस का मतलब बुद्धिमान होता है, बाइज होता है, या फिर आप बाइज को ही सेगेसियस, सेगेसियस को ही बाइज कहते रहते हैं, उल्टा होगा पुलिस। चलो, बाकी कोई खास ऑप्शन नहीं है, सबको पता ही था रिजर्व का मतलब मितभाषी होता है, कम बोलने वाला, तो इसमें डाउट क्या। लीजिए, आपके लिए बोनस है, इम्पोर्टेंट नेचर के अगर आप बच्चे हैं, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा बदमाश हैं। अब सोच लो भैया, उल्टा क्या होगा। तो मुझे पूछोगे तो मैं तो आंसर शायद कर लेता सी नंबर। लीजिए, हम क्या सी करेंगे, सब लोग सी ही कर रहे होंगे, है ना। बिल्कुल, तो इम्पोर्टेंट का मतलब हो जाता है आपके पास में नॉट पोलाइट, मतलब बहुत ज्यादा उदंड होता है ये। बाकी तो आपको कॉन्फिडेंट का मतलब खुद में भरोसा होता है, ट्रम्पेंट का मतलब विक्ट्री होती है, इंसोलेंट का मतलब होता है आपके पास में बीकेड या रूड टाइप का, लगभग ये साइनोनिमस का काम कर सकता था। चलिए, फिलहाल तो ये साइनोनिमस ही है क्वेश्चन का, लेकिन एंटो पूछ रहा था तो आंसर आप सी दे सकते हो। 34 में आपके पास में कन्विक्ट है, सबको पता है कि कन्विक्ट का मतलब आरोप लगाना होता है, आरोप लगाने का उल्टा आपके पास में होता है क्या, आरोप हटाना। कमेंट सेक्शन में आप करो जल्दी से क्रिएट, अगर एक ही आंसर आ रहा है तो भाई बहुत बुरा मुझे लग रहा है, क्योंकि और भी लोगों का कमेंट सही आना चाहिए था। आंसर आपके पास में क्या आ गया, अक्वाइट आ गया। अक्वाइट का कन्विक्ट ऐसे भी पढ़ने में अच्छा लगता है, तो सबको पता ही है कि आंसर एक करना चाहिए था। चलिए, 35 में आपके पास वर्ड है कॉमली, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, मैंने पहले ही इसको टफ वर्ड का टैग दे रखा था पढ़ाने से पहले ही, मुझे लग रहा था ये टफ हो जाएगा, बच्चों को नहीं पता होगा। देख लो भैया, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको दिखा दिया जाए कि आंसर दिया है क्या, ग्रोटेस्क्यू। तो कॉमली का जो सेंस आपके पास में है वो कहीं ना कहीं दिया है आपके पास में हम्बल का सेंस, ठीक है ना, हम्बल का सेंस, विनम्र का सेंस, और भयानक के सेंस में, बड़ा का सेंस में ग्रोटेस्क की होगा। ग्रीगेरियस आपको पता ही है कि हम सब जो मानव हैं, ग्रीगेरियस एनिमल हैं, समूह में रहने वाले हैं, सोशल। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा बोलने का क्षमता, और जॉर्जियस बहुत ही खूबसूरत महिला वगैरह को कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट, इसका आंसर तो बता सकते हैं ना, डिस्पेंसेबल, जो चीज उतना जरूरी नहीं है जितना कि और चीजें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। अब हमको लगता है बेसिक ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, तो क्या दे, इसेंशियल। बिल्कुल सही सोच रहे थे आप, तो डिस्पेंसेबल का मतलब हो रहा है ना कि आप चीजों को एक्स्ट्रा मान करके चलते हैं, है ना, सेकेंडरी मान के चलते हैं, उल्टा हो गया इसेंशियल, आवश्यक मान के चलना। चलिए जल्दी से बताइए, री इन्फोर्स करने का मतलब है कि सामने वाले को फिर से एनर्जी, फिर से बंदूक, फिर से गोला बारूद उपलब्ध करा दीजिए ताकि वो लड़ती रहे। अब उल्टा तो कमजोर करना ही होगा ना, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो री इन्फोर्स का जब सेंस होता है तो इसका मतलब है कि हम सामने वाली आर्मी की जो चीजें खत्म हुई है वो चीजें उनको पुरा करके उनको मजबूत बनाए, तो उल्टा होगा बीकन। वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, स्पष्ट करना या फिर सही करना, है ना। कोरोबोरेट इसमें काफी बढ़िया वर्ड है, और एक फ्रेज है आपके पास में बियर आउट, आप इसको भी ध्यान रख सकते। डाइवर्ज मतलब वही डेविएट होने का सेंस होता है, मूड स्विंग कर जाता है, कभी करने का मन करता है पढ़ाई तो कभी खेलने का मन करता है आपका। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, 38 है ट्री चेरस। तो हमको लगता है सब बच्चों को पता होगा कि ये आदमी जो होता है ना, कभी भी आप तो इस पे भरोसा मत करना वाला बात हो गया। कुछ आइडिया मिला बच्चों, तो आंसर आप लोगों का 4 आना चाहिए था। बिल्कुल,
तो जो आपके पास जो टीचर्स वर्ड होता है, इसका मतलब ये होता है हिंदी भाषा में कि ये भाई टीच कुछ नहीं करेगा, धूर्त आदमी है, इसके पास कोई नहीं है, बस ये डिग्री बीएड वगैरह का लेके आ गया। तो उल्टा होगा आपके पास कि आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, फेथफुल है। फ्लुएंट का मतलब स्पष्टवादी होता है, फ्लेक्सिबल लचीला होता है, फैंटास्टिक एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है, ये सब नॉर्मल वर्ड्स हैं, सबको पता रहता है। चलो भैया ये तो कल परसों भी हुआ था। सैक्रेड का मतलब पवित्र होता है, पवित्र का उल्टा बताओ कि क्या होता है, अपवित्र होता है। सैक्रेड यानी पवित्र यानी पायस कर सकते हो। अब देखो जो चीज़ें पवित्र होती हैं उसको हम धार्मिक भी बोलते हैं, तो आप रिलीजियस भी बोल सकते हैं। काफ़ी कम लोगों का कमेंट आया आंसर डी आना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। अब देख लो कमेंट सेक्शन जो आपका है उसमें भी आपको यही दिख रहा है, यहाँ पर भी बोल्ड आंसर यही था। क्लियर हुआ? तो आपका सैक्रेड का मतलब पायस होता था, मैंने क्लियर किया था, रिलीजियस होता था। रेशनल का मतलब तार्किक होता है, तो लॉजिकल बोले। इंक्यूजिटिव उत्सुक होता है, तो क्यूरियस बोल लें। और मैनियक मतलब देखो यहाँ से मैनिया वर्ड है, यहाँ पे क्या है मैनिया, तो मैनिया का मतलब क्रेजी होने का सेंस है, तो मैनियकल का मतलब क्रेजी हो। 40 नंबर अगर आप नहीं जानते हो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, सबको अच्छों को पता है कि स्कार्स का मतलब जो होता है वो कमी का सेंस होता है। अब जब कमी की बात हो रही है तो सबको पता है कि प्रचुरता के सेंस में आप लोगों का आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। क्या आना चाहिए था? अवंडेंट आना चाहिए था। तो स्कार्स का मतलब स्कैंट तो साइनोनिमस ही था, तो आंसर यही करिएगा, अवंडेंट ही। चलिए अब दो क्वेश्चन आपके पास स्लाइड पे और मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आई ब्रोक अवे फ्रॉम दियर सॉरी सीटियस ग्रिप। अब किसी का बहुत ही कठोर कंट्रोल से आप निकल आए, अब शायद सोच लो सॉरी सीटियस का एंटो पूछ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? कुछ लोगों ने कमेंट किया तो ठीक, सी आंसर बिल्कुल अच्छा है। देखो भैया सॉरी सीटियस का मतलब होता है बहुत ही चौकन्ना, है ना, बहुत ही एक्टिव और चौकन्ना सा। और उल्टा पूछ रहा था तो क्या होगा? हिडलेस, लापरवाह सा। चलिए तो ये आपके लिए आसान तो वर्ड नहीं था, फिर से इसको रिवीजन करना जरूर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। सॉलिसिटियस का उल्टा पूछता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पे दिख रहा है स्क्वेलाइट, जल्दी से बताइए स्क्वेलाइट का मतलब आप साफ सुथरा मानते हैं या गंदा मानते हैं? मेरा इतना हिंट काफ़ी है आपके आंसर के लिए। चलिए बच्चों का कहना है भाई कि आप जब स्क्वेलाइट पूछ रहे हो सर, तो स्क्वेलाइट का मतलब पहले मुझे बताने दो, साइनो में डर्टी और साइनो में अनटाइडी होता है, उल्टा क्लीन होगा। कंटेम्पररी आप पहले से जानते हो हिंदी में समकालीन होता है, सेम टाइम होता है। और बेयर का मतलब खाली पैर या नंगे पैर होता है, तो आप नेक्ड भी कह सकते हो। तो चलो ये था सेशन आप लोगों का, एक पार्ट वन जो एंटोनिमस का मैंने सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन का करा दिया। अब इसका पार्ट टू लेकर के हम आएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं फिर नए सेशन में।